हम हर कुछ बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स के टर्म में। अगर मैं कहती हूँ कि एक पॉइंट P है, तो उस P पॉइंट की पहचान होती है उसकी कोऑर्डिनेट्स, उसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट P को हम हमेशा कैसे पहचानते हैं? x कॉमा y से, राइट? तो सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला की। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? ये हमें एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि अगर हमारे पास दो गिवन पॉइंट्स हैं, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, और हमारे पास गिवन क्या होगा, इन दोनों गिवन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। तो लेट अस सपोज एक पॉइंट है P जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है Q जिसकी कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो P और Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो एक भारी भरकम फॉर्मूला बता दिया। Obviously, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हर प्रॉब्लम में हम डिराइव तो नहीं कर सकते हैं, राइट? तो इसीलिए जब हम इस पूरे लेसन को पढ़ेंगे तो हमारे पास कुछ दो चार फॉर्मूलेज होंगे जो हमें पता होने चाहिए। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज कि इन फॉर्मूले को हम कैसे कैसे सिचुएशन में किस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फटाफट से दो मिनट स्पेंड करेंगे और देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये आया कहाँ से था। हालांकि ये टेंथ में आपने पढ़ रखा है, बट मैं स्टिल एक बार बताती हूँ ताकि दिमाग जो है वो एक बार खुल जाए कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत कहाँ से हो रही थी, है ना? तो चलो फटाफट से देखते हैं जरा कहाँ से आया ये फॉर्मूला, है ना? तो मान लेते हैं कि पी और क्यू ये मेरा दो पॉइंट्स है, ठीक है? अब इनके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स तो खैर हमें दिख रहे हैं इस ग्राफ पेपर से, बट जस्ट टू शो यू कि हम इसे कहाँ से डिराइव किए थे, लेट अस सपोज पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू वाई टू, ठीक है? तो पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस जो है दैट इज एक्स वन और ये वाला डिस्टेंस जो है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है? सिमिलरली क्यू अगर x2 y2 है, इसका क्या मतलब है? ये जो x कोऑर्डिनेट का ये वाला डिस्टेंस है और y कोऑर्डिनेट का ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज y, ये मतलब है इसका, कोई डाउट नहीं है? बढ़िया है। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है? अब थोड़ा सा फोकस करो, ये ब्लू लाइन, ये रेड लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों मिला के क्या बना रही है? ये तीनों मिला के